नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपको जैसे हमने वादा किया था, हमने अपने कम्युनिटी टैब पे भी डाला था कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्विच ओवर। हमने आपसे कहा था कि आज हम आपको स्विच ओवर की वीडियो डालेंगे, तो हम आज जानेंगे डिटेल में कि स्विच ओवर क्राइटेरिया क्या कहता है। स्विच ओवर क्राइटेरिया में हमारा स्विच ओवर स्ट्रोक, स्विच ओवर टाइम और उसके साथ स्विच ओवर प्रेशर, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये मशीन पे कैसे वर्क करती हैं, क्या फंक्शन होता है इसका, और पहले मशीन पे हम देखेंगे कहाँ पे होता है, उसके बाद हम इसको बोर्ड पे डिटेल में समझेंगे कि स्विच ओवर की कहानी क्या, स्विच ओवर की स्टोरी क्या, स्विच ओवर कैसे परफॉर्म करता है और हमें कैसे स्विच ओवर देना चाहिए और स्विच ओवर का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ने के पहले हम जान लेते हैं कि ये जो स्विच ओवर शब्द है, जो कि स्विच ओवर कहते हैं हम इसे, तो हम जानेंगे कि स्विच ओवर का मतलब क्या है। एक्चुअली स्विच ओवर का कहने का मतलब क्या है, तो जो स्विच ओवर है, सिंपल शब्दों में जो स्विच होता है, स्विच का मतलब क्या होता है, एक फेज से दूसरे फेज में जाना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में, एक चीज छोड़ के दूसरी चीज में जाना, ये होता है हमारा स्विच। तो मशीन पे स्विच ओवर का मतलब क्या होगा कि एक स्टेज से, एक फेज से दूसरे फेज पे जाना। तो स्विच ओवर कैसे वर्क करता है, मतलब कि इंजेक्शन के फेज से हम होल्डिंग के फेज पे जब जाते हैं तो जो बीच का गैप होता है उसे हम कहते हैं स्विच ओवर टाइम, मतलब एक फेज से दूसरे फेज पे स्विच कराना, वो काम करता है हमारा स्विच ओवर। तो हम आइए वीडियो पे पहले देख लेते हैं कि स्विच ओवर कैसे वर्क करता है, उसके बाद हम बोर्ड पे डिटेल पे जान लेंगे स्विच ओवर को। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आइए सीखते हैं टोशिबा की LN C6 में स्विच ओवर क्राइटेरिया क्या होता है। स्विच ओवर क्राइटेरिया मतलब कि स्विच ओवर पोजिशन, टाइम और प्रेशर क्या चीज़ें, क्या इसका मतलब होता है। तो स्विच ओवर जो हमारा पोजीशन होता है, पोजीशन मतलब कि हमने जैसे 2 mm इसमें सेट रखा है, 2 पे हमने सेट रखा है, तो क्या होगा कि डोजिंग जैसे हमारी 66.5 सेकंड हो रही, मतलब हम मटेरियल हॉपर से 66.5 mm ले रहे हैं प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने अगर 2 mm रखा है तो क्या होगा कि 64 mm हमारा जो है वो इंजेक्शन पे जाएगा, उसके बाद जो 2 mm बचता है वो होल्डिंग के लिए जाएगा, जो आप होल्डिंग देख रहे हैं, फिर वो 2 mm क्या होगा कि जो होल्डिंग टाइम 4 सेकंड या प्रेशर 45 या स्पीड 25 है वो इस कमांड पे वर्क करने लगेगा, मतलब वो 2 mm मटेरियल हम होल्डिंग के लिए बचा देते हैं। तो वही होता है स्विच वर्क, इंजेक्शन फेस से हमारा जो है वो किस पे जाता है, होल्डिंग फेस पे जाता है। तो ये पोजीशन होता है, अगर हमने 2 mm पोजीशन कर दी तो वो 2 mm मटेरियल स्टोर कर लेता है हमारे होल्डिंग के लिए, मतलब ट्रांसफ़र करता है, 2 mm मटेरियल ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद अगर हम टाइम पे कर देते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे हमने टाइम पे सेट कर दिया, तो अब 6 सेकंड है ये, तो हमारा इंजेक्शन जो हो रहा था वो हो रहा था 2.21 सेकंड पे, मतलब कि इंजेक्शन हमारा कंप्लीट हो जा रहा था, आप देख सकते हैं 2.21 सेकंड पे। और अगर हमने 6 सेकंड स्विच ओवर क्राइटेरिया सेट कर दिया तो अब क्या होगा कि 2.21 सेकंड तो ये इंजेक्शन का लेगा साथ में, उसके बाद जो बचा 3.5 मिनट 3.5 मिनट वो ये करेगा ट्रांसफ़र कराने में, मतलब कि ये फिर क्या करेगा, बचा हुआ मटेरियल ये ट्रांसफ़र करेगा होल्डिंग के लिए। टाइम में क्या होता है, कंप्लीट टाइम काउंट हो जाता है इंजेक्शन से लेके ट्रांसफ़र कराने पे। तो ये फंक्शन होता है हमारे टाइम का, स्विच ओवर टाइम का फंक्शन ऐसे चलता है। आप देख सकते हैं अब जो टाइम होगा वो 6 सेकंड आ जाएगा इंजेक्शन टाइम, आप देख सकते हैं ये देखिए पूरा 6 सेकंड कंप्लीटली आ चुका है। तो ये टाइम का फंक्शन होता है स्विच ओवर क्राइटेरिया पे। आगे अभी हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, अगर हमने प्रेशर सेट कर दिया, मतलब कि हमने जैसे अभी क्या है कि 155 आ रहा, मतलब जो अभी हमने टाइम पे सेट किया तो इंजेक्शन प्रेशर जितना होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे स्विच ओवर पे भी वर्क कर रहा है, क्योंकि ये हमारा इंजेक्शन से स्टार्टिंग हमारी इंजेक्शन से ही हो रही, उसके बाद वो ट्रांसफ़र कर रहा होल्डिंग के लिए, तो ट्रांसफ़र तक इंजेक्शन से लेके ट्रांसफ़र तक का पोजीशन पूरा काउंट हो जाता है। तो अभी आपने देखा टाइम पे कैसे फंक्शन किया, उसके बाद हम थोड़ा मटेरियल बढ़ाते हैं, जैसे 69 हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा कि 67 mm वो इंजेक्शन के लिए लेगा या जितना भी लेना है उसको 67, 68, मतलब, और साथ में जब इंजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो जो मटेरियल बच जाएगा वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा किसके लिए, होल्डिंग के लिए कर देगा।
उसके बाद अगर हम प्रेशर पे चलाते हैं, मतलब कि अगर हम अपना स्विच ओवर प्रेशर पे वर्क कराते हैं, जैसे कि अभी तो जैसे टाइम पे है तो 154-155 चल रहा इंजेक्शन से रिलेटेड, अगर ये स्ट्रोक पे था तो 147 चल रहा था जितना उसको ज़रूरत थी। अभी क्या अगर हमने प्रेशर पे चलाया, जैसे हमने प्रेशर रख दिया 160 या 150, तो क्या होगा उस प्रेशर पे कमांडिंग होने लगेगी, मतलब जब हमारा जो मटेरियल ट्रांसफ़र होगा इंजेक्शन से होल्डिंग पे तो वो उस प्रेशर पे ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद हमारी होल्डिंग की सेटिंग वर्क करेगी। तो दोस्तों आप समझे होंगे स्विच ओवर क्राइटेरिया क्या है, बहुत ही टिपिकल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, काफ़ी लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, जो आज इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं उनको भी, जो प्लांट में हैं उनको भी, काफ़ी लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो स्विच ओवर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अभी मैं आपको डिटेल में बोर्ड पे समझाता हूँ तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन क्या है। मैंने इसको पहले सोचा कि आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ एक चीज़ एक, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया और अच्छा लगे और समझ में और बेहतर आए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि हमें इन सब सारी वीडियोस नहीं बनाने दी जाती पीएलसीज की, बट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं आपको बना के आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशंस पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों ये था हमारा स्विच ओवर, और अभी हम बोर्ड पे चलेंगे और डिटेल में जानेंगे कि ये स्विच ओवर क्राइटेरिया में जो हमारा स्ट्रोक टाइम और प्रेशर है ये कैसे फंक्शन करता है और क्यों करते हैं और हम इसको क्यों कराते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बोर्ड पे सीखेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे और जानते हैं डिटेल में कि स्विच ओवर क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों आइए सीखते हैं स्विच ओवर क्राइटेरिया के बारे में। स्विच ओवर क्राइटेरिया जिसमें जिसे हम ट्रांसफर पोजीशन भी कहते हैं, स्विच ओवर पोजीशन और ट्रांसफर पोजीशन एक ही चीज होती। तो स्विच ओवर क्राइटेरिया में क्या चीजें होती, पहला स्विच ओवर पोजीशन, स्विच ओवर टाइम और स्विच ओवर प्रेशर, इन तीनों के बारे में हम आज जानेंगे। तो यह हमारा पूरा इंजेक्शन का फिगर है, तो इंजेक्शन फिगर से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फिगर से स्टार्ट करेंगे। हॉपर में हमारा रॉ मटेरियल होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक रॉ मटेरियल लिया एबीएस का ले लिया जैसे, तो वो रॉ मटेरियल क्या होगा प्लास्टिक, यहाँ पे हमारे बैरल में पहले फीड होगा, ये स्क्रू जो होंगे ये रोटेट करेंगे तो यहाँ से मटेरियल हमारे यहाँ पे फीड होगा। फीड होने के बाद हमारे यहाँ बैंड हीटर्स लगे, ये बैंड हीटर्स हीटिंग देंगे और साथ में स्क्रू प्लास्टिसाइज होगा, घूमेगा तो ये रॉ मटेरियल मेल्ट होगा। मेल्ट होके ये मटेरियल क्या होगा, रॉ मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा इंजेक्शन के लिए। तो फिर क्या करते हैं, हम इंजेक्शन कराते हैं, मतलब कि अपना इस स्क्रू के द्वारा हम इंजेक्शन कराते हैं, मतलब यही रॉ मटेरियल जो यहां पे था उसे हम मोल्ड के अंदर लेके जाते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट बन सके। तो क्या होता है इंजेक्शन में, क्या होता है जब इंजेक्शन होता है तो उस समय मटेरियल क्या होता है हमारा हीटेड मटेरियल होता है, मटेरियल हमारा पूरा हीटेड होता है, तो क्या होता है मोल्ड पे ये पूरी तरीके से फिल हो जाता है। बट जब ये थोड़ा सा ठंडा होता है, थोड़ा ये कूल्स डाउन हो जाता है, तो क्या होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड होने लगते हैं, ऐसे 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 स्प्रेड होने, तो क्या होता है कि चांसेस ऑफ श्रिंकेज हो जाता है, एक श्रिंकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब एक सिकुड़न सी आ जाती है प्रोडक्ट पे। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या देते हैं, अपनी मशीन पे हम एक एक्स्ट्रा टाइम देते हैं जिसे हम कहते हैं होल्डिंग, मतलब होल्डिंग टाइम प्रेशर देते हैं ताकि थोड़ी देर यहां पे थोड़ा सा मटेरियल होल्ड करेगा और प्रॉपर कैविटी में भर पाएगा, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छा होगा, साथ में श्रिंकेज की प्रॉब्लम उस पर नहीं होगी। तो आइए समझते हैं स्विच ओवर का क्या फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे आपको बना रखा है स्विच ओवर, इंजेक्शन और होल्डिंग, ये कैसे कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला स्ट्रोक, मतलब कि स्विच ओवर पोजिशन, स्ट्रोक को ही हम कहते हैं स्विच ओवर पोजिशन। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 2 mm स्विच ओवर पोजीशन ले ली, क्या था कि जब हम डोजिंग करा रहे थे तो डोजिंग हमने कितनी रखी थी, हमने जो डोजिंग थी अपनी प्लास्टिसाइजिंग के लिए कितना मटेरियल था प्रोडक्ट बनाने के लिए, 67 mm मटेरियल हमने ले रखा था, 67 mm में हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। तो हमने 2 mm का क्या दिया, स्विच ओवर दे दिया, स्विच ओवर पोजीशन दे दी 2 mm। तो ये 2 mm कैसे वर्क करेगा, पहले तो जो 65 mm होगा हमारा मटेरियल वो इंजेक्शन में जाएगा, वो इंजेक्शन फेस में चला जाएगा, मतलब 65 mm मटेरियल जो है हमारा वो इंजेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा,
उसके बाद कितना बचता 67 में 65 तो इंजेक्शन हो गया, तो बचा 2 mm मटेरियल। जो ये 2 mm मटेरियल होता है ये कहां जाता है, ये जाएगा हमारा होल्डिंग में, यही 2 mm मटेरियल हमारा होल्डिंग के लिए होता। तो स्विच ओवर पोजीशन क्या होता कि वो पोजीशन जब हम इंजेक्शन से होल्डिंग में जाते हैं तो एक स्विच करते हैं, मतलब इंजेक्शन फेज से, इंजेक्शन से हम कहां होल्डिंग पे, होल्डिंग पे क्या करते हैं स्विच करते हैं, स्विच करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम स्विच ओवर, मतलब एक जगह दूसरी जगह पे स्विच करना। तो स्विच ओवर पोजीशन में आपने समझा कि जैसे 2 mm मटेरियल था वो वहां पे होल्डिंग के लिए हमने स्विच करा दिया। टाइम पे क्या होता है, जैसे कि टाइम है हमारा, टाइम हमने रख दिया मतलब कि 6 सेकंड का टाइम रख दिया। अभी क्या हमारा जो आप इंजेक्शन देख रहे हैं, इंजेक्शन कितने सेकंड में हो रहा है, 2.2 सेकंड में हो रहा था पहले, तो जब हमने यहां पे 6 सेकंड टाइम रख दिया तो क्या होगा कि जो स्विच ओवर टाइम होता है वो इंजेक्शन के साथ काम करेगा, मतलब फिर हमारा कंप्लीट जो इंजेक्शन होगा वो भी होगा 6 सेकंड में, मतलब कि अब जो स्विच ओवर पे हमने टाइम रखा था उसी टाइम पे हमारा इंजेक्शन भी होगा। तो उसके बाद फिर हमारा होल्डिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर हम प्रेशर रखते हैं, मतलब अगर हम मशीन को प्रेशर पे चलाते हैं, प्रेशर जैसे हमने 160 रख दिया, प्रेशर हमने 160 रख दिया, तो क्या होगा फिर हमारा जो ये इंजेक्शन प्रेशर आप देख रहे हैं ये काम नहीं करेगा, फिर हमारा जो यहां पे प्रेशर हमने रखा स्विच ओवर का प्रेशर, वो स्विच ओवर के प्रेशर से सारी कमांडिंग हमारी मशीन की स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट स्विच ओवर क्राइटेरिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे कि स्विच ओवर क्या है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, हम वहां पे आपको जरूर इसका जवाब। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि स्विच ओवर क्राइटेरिया क्या है, कैसे मशीन पे देते हैं। अगर आपको वाकई में स्विच ओवर समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में उसके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो ज़्यादा लड़कों तक पहुँच सके, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके जिनको इसकी वाकई ज़रूरत थी समझने की। उसके अलावा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमसे जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है ना ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन होता है। वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन नहीं, वो एक मोटिवेशन होता है जिससे हम और ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं और बेहतर वीडियो बनाते हैं। तो उसके साथ साथ दोस्तों आप बेल की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल की घंटी को आप दबाएंगे तो हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो वो आप तक नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंच जाएगी और आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।